अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन अल यूसुफ एकेडमी। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में प्रीवियस उसमें हम जो है 7 ब्रांचेस हम पढ़ चुके थे। अब हम जो है वो देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम जो है दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक है एनालिसिस, सेकेंड वन इज सेपरेशन। मीन्स के हम वो तमाम चीज़ों, वो तमाम कंपाउंड्स का इसमें जो है सेपरेशन करके एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं दो तरह से। एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। आइडेंटिफाई करते हैं, पहले तो हम किसी भी जो है एक कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज H2O या सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, पहले तो हम इसको देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि आया इसकी कंपोजिशन क्या है। फिर उसके बाद हम इसको जो है क्वांटिटेटिव देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं, मिकदार कितनी है, क्या खसूसियात हैं। ये तमाम जो है हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी कि वो तमाम मेथड्स टेक्निक्स उसका हम तज्जिया करते हैं, एनालाइजिस करते हैं, जो कि हमारे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को जो है वो शो कर रहा हो। यानी कि वो तमाम मेथड्स और टेक्निक्स की जो हम जो है वो स्टडी करते हैं, जो कि हमारे किसी भी कंपोनेंट्स को जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी को जो है वो शो कर रहा हो एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा हम जो है बात करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन को समझने में हेल्प करती है, किसी भी कंपाउंड को इसकी कंपोजिशन को समझने में हेल्प करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो हमें गेन करना हो उसकी हम क्वालिटी को देखते हैं। इसके अलावा हम जो है मुख्तलिफ बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उसका हम एनालाइज करते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स का जो है एनालाइजिस करते हैं इस केमिस्ट्री की ब्रांच में, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन एंड सॉइल। इन तमाम जो है बायोलॉजिकल सैंपल्स का हम जो है इसमें एनालाइज करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच हैं जिसमें हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सेपरेशन करके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है वो किसी भी कंपाउंड का एनालाइज करते हैं, यानी वो तमाम मेथड्स और टेक्निक्स का तज्जिया करते हैं जिसमें हमें किसी भी कंपाउंड्स की कंपोजिशन का पता चले, प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चले, और बायोलॉजिकल सैंपल्स का एनालाइज करते हैं जैसे वाटर, मिल्क, ब्लड, यूरिन वगैरह etc. अब हम बात करते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, पॉलीमेरोज जो है ग्रीक वर्ड है, एक पॉलीमेरिक केमिस्ट्री का जो पॉलीमेर है वो हम एक ग्रीक वर्ड है पॉलीमेरोज। पॉली मीन्स मैनी और मेरोज मीन्स यूनिट्स या पार्ट, यानी कि पॉलीमर्स का मतलब है छोटे छोटे से एटम्स मिलकर, ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे एटम्स जो हैं वो मिलकर एक लॉन्ग चेन बना लें, स्मॉल एटम्स मिलकर या तो एक लॉन्ग चेन बना लें या एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लें, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉल एटम्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बना लें या एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लें, इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और इस पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो सब्सटेंस, जो प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो रहे होते हैं वो हम स्टडी करते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में। व्यूअर्स, हम पॉलीमराइजेशन के ज़रिए से हम बहुत से प्रोडक्ट्स हम अपने यूज़ में भी रखते हैं। टू टाइप्स होती हैं पॉलीमर्स की टू टाइप्स होती हैं। एक होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरे होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स में आ जाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स।
इसको बायो पॉलीमर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स में आ जाते हैं नेलॉन, टेफ्लॉन एंड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, नेलॉन वगैरह जो है, जो चप्पलें आमतौर पे यूज़ होती हैं, पीवीसी के पाइप वगैरह यूज़ होते हैं, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स है। ये हमें जो है आर्टिफिशियल वे में मिलता है, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू मिलता है। पॉलीमराइजेशन के थ्रू मिलने वाले सब्सटेंस जो हैं, इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसके अलावा जो है वो पेपर हो गया, ये पॉलीमराइजेशन के ज़रिए से हमें हासिल होते हैं। व्यूअर्स, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री समझ में आई आपको? उम्मीद है कि आपको हमारी तमाम ब्रांचेस जो है समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारी ब्रांचेस, अगर हमारा आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा लाजमी, और आगे पढ़ने के लिए जो है वो लाजमी जो है वो शेयर भी करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।